नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक है विद्युत शक्ति पारेषण का एसी व डीसी पारेषण की तुलना। यानी अपनी जो पारेषण लाइन होती है वो अधिकतर अपनी एसी होती है, तो एसी की पारेषण लाइन के क्या गुण है डीसी की अपेक्षा। डीसी की कभी भी पारेषण लाइन उपयोग नहीं की जाती है, क्योंकि क्योंकि डीसी की पारेषण की बहुत सारी हानियाँ होती है, इसलिए एसी पारेषण लाइन प्रयोग की जाती है। तो अपना टॉपिक है एसी व डीसी पारेषण की तुलना, यानी दोनों पारेषण लाइनों में अगर तुलना की जाए तो कौन सी लाइन अच्छी है। तो इसका पहला टॉपिक है डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। यानी एसी पारेषण लाइन के ऐसे क्या गुण हैं जिससे आजकल एसी का ही ज़्यादातर पारेषण किया जाता है। एसी लाइन के कौन कौन से गुण हैं। पहला है निम्न लागत पर पारेषण, यानी एसी को अपन कम लागत पर पारेषण किया कर सकते हैं। डीसी के अपेक्षा अपन निम्न लागत पे एसी का पारेषण कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर क्या समझाया गया है निम्न लागत पे पारेषण, कि एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न व्यय तथा निम्न लागत पर पारेषण किया जा सकता है। एसी को कम लागत पे पारेषण किया जा सकता है, क्योंकि एसी की वोल्टता को अगर बढ़ाया जाता है तो उसकी धारा के मान में कमी रहती है, और कम धारा के लिए पतले तार अपन प्रयोग में ले सकते हैं, और खंभे अपन दूर दूर स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि तारों का वजन कम हो जाता है और चालक धातु की भी बचत होती है, जिसे एल्यूमिनियम और तांबा कम लगता है। इसलिए एसी का निम्न लागत पे अपन पारेषण कर सकते हैं। डीसी के अंदर अगर अपन वोल्टता को बढ़ाया जाता है तो धारा का मान बढ़ता है, जिससे अपन को मोटे तार प्रयोग में लेने पड़ते हैं, और खंभों की दूरियां कम होती है जिससे अधिक खंभे लगते हैं और चालक धातु भी ज्यादा लगती है। इसलिए पहला है एसी का गुण निम्न लागत पर पारेषण है। दूसरा होता है उच्च वोल्टता पर उत्पादन, यानी अपन एसी का जो उत्पादन है वो अल्टरनेटर के द्वारा 33,000 वोल्ट तक उत्पादन कर सकते हैं, और डीसी का जो उत्पादन होता है वो कंप्यूटेटर के द्वारा 650 वोल्ट ही किया जाता है, जिससे ये गुण भी होता है कि एसी को 33,000 तक अपन स्लिप रिंग के द्वारा उपयोग कर सकते हैं, और डीसी के अंदर कम्यूटेटर की वजह से अपन 650 वोल्ट ही पैदा कर सकते हैं। डीसी 650 से ज़्यादा वोल्टेज अपन पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर अपन अल्टरनेटर को एक सीमित घूर्णन गति पे घुमाते हैं, जिससे आपका जो कम्यूटेटर है वो स्पार्किंग करने लग जाता है, और वोल्टता 650 तक ही डीसी में कन्वर्ट होती है। और एसी में स्लिप रिंग लगने की वजह से अपन 33,000 वोल्ट तक एसी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये दूसरा उपयोग था एसी का, उच्च वोल्टता पर उत्पादन। तीसरा है सरल वोल्टता में परिवर्तन। तीसरा होता है सरल वोल्टता में परिवर्तन, यानी एसी को कम या अधिक आपको वोल्टेज करनी होती है तो आप ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रयोग करने से अगर आप वोल्टता को घटाते हैं या वोल्टता को बढ़ाते हैं तो विद्युत शक्ति का व्यय नहीं होता है। इस ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी को एक से दूसरी ऊर्जा में अपन परिवर्तित कर सकते हैं बिना विद्युत शक्ति व्यय किए, और डीसी की वोल्टता को घटाने के लिए अपने को प्रतिरोध काम में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्रतिरोध, जो विद्युत शक्ति की व्यय करता है। और डीसी की वोल्ट को बढ़ाना है तो वहां रोटरी बूस्टर लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में, जिससे कि वो बहुत महंगे पड़ते हैं। इसलिए सरल वोल्टता में एसी का परिवर्तन कर सकते हैं और डीसी का परिवर्तन सरलता से नहीं कर सकते, ये बहुत महंगा पड़ता है, विद्युत शक्ति की व्यय होती है। अतः एसी की वोल्ट को घटाने बढ़ाने के लिए एक अपन ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं। डीसी के अंदर प्रतिरोध घटाने के लिए प्रयोग करते हैं जो विद्युत शक्ति की व्यय करता है। चौथा है सरल उपकरण संरचना। चौथा है सरल उपकरण संरचना। अगर समान क्षमता की कोई मशीन लेते हैं समान एचपी की, तो एसी मशीन की संरचना सरल होती है और डीसी मशीन की संरचना हार्ड होती है, जिसे डीसी के अंदर मेंटेनेंस महंगा पड़ता है और उस मशीन की बार बार देखभाल करनी पड़ती है। एसी मशीन का मेंटेनेंस महंगा नहीं होता और बार बार मशीन की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती, तो एक एसी का जो उपकरण है उसकी संरचना सरल होती है, डीसी की संरचना कठिन होती है। पांचवा है सरलता से डीसी में परिवर्तन, यानी अगर आपको कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं वो डीसी से किए जाते हैं, आपको डीसी चाहिए लेकिन आपके पास एसी उपलब्ध है, तो आप एसी को बिल्कुल सरलता से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आजकल एसीआर तथा डायोड का प्रयोग किया जाता है, ये बिना विद्युत शक्ति व्यय किए एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं जो डीसी से ही किए जाते हैं,
कई कार्यों को अपन एसी से नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे एसीआर का प्रयोग करके एसी को डीसी में बदला जाता है। तो ये था सरलता से डीसी में परिवर्तन। और डीसी को जब एसी में कन्वर्ट करना होता है, जैसे आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, तो आप उस चीज को सरलता से कन्वर्ट नहीं कर सकते, वहां पे विद्युत शक्ति का अपव्यय होता है, इसलिए एसी को सरलता से डीसी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक थे डीसी की अपेक्षा एसी के गुण, ये 5 गुण है एसी के। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका चलता है डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण, यानी कुछ एसी के अवगुण भी होते हैं, जो डीसी की अपेक्षा एसी के क्या गुण है, क्या अवगुण है, जिससे एसी के कई अवगुण भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण, यानी एसी का पहला अवगुण है सीमित चुंबकीय प्रभाव, यानी एसी सप्लाई के द्वारा अपन कभी भी स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। ये एसी का सबसे बड़ा अवगुण है कि एसी के द्वारा अपन स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। स्थायी चुंबक बनाने के लिए अपने को डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहां पे एसी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये आपका एक एसी का सबसे बड़ा अवगुण है, किसके द्वारा अपन स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। स्थायी चुंबक बनाने के लिए डीसी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास एसी सप्लायर आपको स्थायी चुंबक बनाना है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये था एसी के अवगुण। नेक्स्ट है उच्च सामर्थ्य वाले अचालक। एसी की लाइन की पारेषण वोल्टता अधिक होने के कारण, जैसे एसी की पारेषण वोल्टता 132,000 केवी वोल्टेज तक हो रही है, तो वहां पे आपको जो इंसुलेटर होते हैं वो भी आपको उच्च सामर्थ्य के लगाने पड़ेंगे। अचालक जितने भी होते हैं, केबल का अचालक हुआ, इंसुलेटर का अचालक हुआ, ब्रेकर का अचालक हुआ, जितने भी अचालक लगाए जाते हैं वो आपको हाई क्वालिटी के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे वोल्टता का मान ज्यादा होता है। डीसी के अंदर वोल्टता का मान कम होने के कारण वहां पे अपन सस्ते और कमजोर अचालक भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये एसी का अवगुण है कि उच्च सामर्थ्य वाले अचालक वहां पे प्रयोग लेने पड़ते हैं लाइन में, क्योंकि वोल्टता का मान ज्यादा होता है, जिससे अपने करंट नहीं आए। तीसरा होता है बूंद संयोजन आवश्यक होता है। एसी के अंदर प्रत्येक मशीन को अर्थ करना आवश्यक होता है, अगर अपन मशीन को अर्थ नहीं करेंगे तो मनुष्य को झटका लगेगा, जिससे उसकी करंट से मृत्यु भी हो सकती है। डीसी की मशीनों को अधिकतर अर्थ करना आवश्यक नहीं होता है, छोटी मशीनों को, इसलिए एसी की छोटी से लेके बड़ी मशीनों को अर्थ करना आवश्यक होता है, और जहां बड़ी मशीनों को आवश्यक होता है वहां डबल अर्थ की जाती है, 2 अर्थ लगाए जाते हैं। तो ये डीसी का गुण है भू संयोजन की आवश्यकता। लास्ट है एसी का अवगुण, अनेक कार्य एसी से नहीं किए जाते। जैसे कुछ कार्य होते हैं जो आपको वहां पे आपको डीसी सप्लाई चाहिए, वहां आप एसी का प्रयोग नहीं कर सकते, एसी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आपको धातु शोधन होता है, धातु को आपको शुद्ध करना है, बहुत सारी धातुएं मिली हुई है, उन धातुओं को आपको शुद्ध करना है, तो वहां पे आपको डीसी सप्लाई चाहिए। अगर आपके पास एसी सप्लाई है तो आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां पे आपको डीसी सप्लाई चाहिए। दूसरा होता है बैटरी चार्जिंग, जैसे आपको फोन की बैटरी चार्ज करनी है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करनी है, तो बैटरी चार्जिंग के लिए भी आपको डीसी सप्लाई चाहिए, वहां पर अगर आपके पास एसी है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बैटरी चार्जिंग हुआ, धातु लेपन हुआ, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेप करना है, तो वहां पे भी आपको डीसी की सप्लाई चाहिए। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वहां पे आपको डीसी चाहिए, तो ये भी एक एसी का अवगुण होता है कि वहां पर आप एसी का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका टॉपिक था डीसी के अपेक्षा एसी के अवगुण। तो ये एसी के 4 अवगुण है और ये एसी के 5 गुण है पारेषण लाइन के। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है उच्च पारेषण वोल्टता के लाभ, यानी जब वोल्टेज का हाई वोल्टेज में पारेषण किया जाता है तो उसके लाभ क्या क्या है, एसी को उच्च पारेषण पे कितने लाभ होते हैं जिसकी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो भारत में अभी तक 66 केवी, 110 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 440 केवी तक पारेषण किया जाता है, यानी अभी तक भारत में इस लाइन का पारेषण किया जाता है। कल मैंने बताया था कि 33 केवी से 440 केवी तक की जो लाइन होती है वो आपकी पारेषण लाइन होती है। वो कौन सी लाइन होती है, पारेषण लाइन होती है, और इसका प्रयोग अपन करते हैं विद्युत शक्ति की उत्पादन के अंदर। जहां से लाइन उत्पादन होती है वहां से सीधे लाइन कहाँ आती है, पारेषण में।
तो पारेषण वोल्टा के क्या लाभ है? जब हम हाई वोल्टेज पे पारेषण करते हैं तो उस पारेषण वोल्टा के क्या लाभ है? तो इसका पहला टॉपिक आता है आपका चालक धातु की बचत। पहला टॉपिक कौन सा आता है? चालक धातु की बचत। अब उच्च पारेषण वोल्टा पे चालक में धातु की बचत कैसे होती है? तो इसमें होता है कि किसी लाइन में वोल्टा का मान बढ़ाया जाता है तो धारा का मान कम होता है, और कम मान वाली धारा लाइन में पतले तार काम में ले सकते हैं और चालक धातु की बचत होती है। कहने का ये मतलब ये होता है कि एसी के अंदर अपन जितनी वोल्टा का मान बढ़ाते हैं धारा का मान उतना ही कम होता है, और कम धारा के लिए अपन पतले तार प्रयोग करते हैं, और पतले तार प्रयोग करने से अपने चालक धातु की बचत होती है। तो ये था आपका पहला पॉइंट कि उच्च पारेषण पे चालक धातु की बचत। तो इस प्रकार से एसी के अंदर धातु की बचत होती है पतले तार प्रयोग करके, और अपना चालक धातु की बचत कर सकते हैं। तो ये पहला लाभ था चालक धातु की बचत। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है पारेषण लाइन के विद्युत शक्ति व्यय में कमी। यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि लंबी लाइन में धातु कम लगने की वजह से प्रतिरोध में कमी हो जाती है, जिससे शक्ति व्यय यानी पी बराबर आई स्क्वायर में कमी आ जाती है। यानी जब लाइन के अंदर अपन पतले तार प्रयोग में लेते हैं तो पतले तार प्रयोग में लेने से तार के अंदर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, और जितना तार का प्रतिरोध कम होगा उतनी आपकी जो आई स्क्वायर हानि है वो कम होगी, और चालक धातु के अंदर विद्युत शक्ति व्यय में कमी आ जाएगी। तो उच्च पारेषण के अंदर विद्युत शक्ति व्यय में भी कमी होती है, क्योंकि वहां पे प्रतिरोध का मान धातु में कम होता है और आई स्क्वायर आर में कमी आ जाती है। तो ये था आपका पारेषण लाइन की विद्युत शक्ति व्यय में कमी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है पारेषण लाइन की दक्षता में वृद्धि। लाइन की दक्षता में वृद्धि हो जाती है लाइन का अव्यय कम होने के कारण। जब लाइन के अंदर P बराबर I स्क्वायर R कम होता है तो लाइन की जो दक्षता होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो लाइन की दक्षता में भी वृद्धि होती है। जब लाइन की दक्षता में वृद्धि होगी तो लाइन का रेगुलेशन भी अच्छा होगा और लाइन अच्छी तरह से कार्य करेगी। पारेषण लाइन की दक्षता में बहुत अति वृद्धि होनी चाहिए। अगर पारेषण लाइन की दक्षता में वृद्धि नहीं है तो वहां विद्युत शक्ति की व्यय में बहुत अधिक गिरावट नहीं आएगी, वहां भी विद्युत शक्ति व्यय बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो वहां विद्युत शक्ति लाइन की दक्षता में भी वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट है अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? ये एक प्रकार का रेशो होता है जिसको प्रतिशत में प्रयोग किया जाता है। पारेषण लाइनों का हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए। कम का मतलब होता है अच्छा होना चाहिए। अच्छा तभी होगा जब आपका रेगुलेशन कम होगा। प्रतिशत रेगुलेशन जितना कम होगा उतना ही रेगुलेशन अच्छा होता है। उच्च वोल्टा व निम्न धारक में लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा रहता है, जिसे पावर फैक्टर में कमी रहती है। यानी जब उच्च वोल्टा व निम्न धारा लाइन में जाती है तो लाइन के अंदर रेगुलेशन का मान अच्छा रहता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि पारेषण लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन कब अच्छा होता है, तो जब वोल्टता उच्च हो व धारा जितनी कम जाएगी उतना ही रेगुलेशन अच्छा होगा। और एक रेगुलेशन का एक रेशो होता है जो आपको पारेषण लाइन में मेंटेन करना होता है। रेगुलेशन जब अच्छा होगा तो आपके लाइन का पावर फैक्टर भी अच्छा होगा। एक पावर फैक्टर होता है, उसका मान होता है 0.1 से लेके इकाई तक। ये पावर फैक्टर भी ऊँचा होना चाहिए, यानी 0.8-0.9 के लगभग होना चाहिए। अगर लाइन का पावर फैक्टर में गिरावट आती है तो लाइन के अंदर विद्युत शक्ति व्यय का मान बढ़ जाता है और एनर्जी मीटर विद्युत शक्ति व्यय अधिक करने लगता है। तो लाइन के अंदर रेगुलेशन का मान ऊंचा होना चाहिए, जिससे अच्छा पावर फैक्टर मिले। एक रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है VNL-VFL/VFL × 100। यानी नो लोड से फुल लोड वोल्टा का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। VNL होता है नो वोल्टेज, VFL होता है फुल वोल्टेज बटे वे फुल वोल्टेज इंटू 100। तो ये आपका एक रेगुलेशन का रेशो होता है, वो आपके अच्छा होना चाहिए। जितना रेगुलेशन आपके कम होगा, जितना नो लोड से फुल लोड वोल्टा में अंतर कम आएगा, जैसे आपके नो लोड पे आपके हिसाब 440 वोल्ट है और फुल लोड पे आपके 435 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट तक अंतर है। तो ये रेगुलेशन आपका अच्छा है, तो ये जो अंतर है 5 वोल्ट का वो कम से कम होना चाहिए। जब रेगुलेशन कम से कम होगा तब आपका एक अच्छा रेगुलेशन माना जाएगा, उस समय आपके पावर फैक्टर में भी वृद्धि होगी।
तो ये जो रेगुलेशन है वो लाइन का बहुत अच्छा होना चाहिए। अधिकतर बड़ी लाइनों में वोल्टेज का रेगुलेशन ही देखा जाता है, रेगुलेशन का रेशो निकाला जाता है, तो लाइन का रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन की स्थापना लागत में बचत। यानी जब भी लाइन को स्थापित किया जाता है, कई किलोमीटर की लाइन को लगाया जाता है, 100 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक पारेषण लाइन को जब स्थापित किया जाता है, तो उसकी लागत में बचत होती है। उसकी लागत में बचत कैसे होती है कि हल्के तार, एसी के अंदर हल्के तार से आप इंसुलेटर, क्रॉस आर्म और हल्के तार लगाए जाते हैं तथा खंबे दूर दूर स्थापित करते हैं, जिससे लाइन की लागत में बचत होती है। कहने का मतलब, जब आप हल्के तार प्रयोग में लेते हैं तो आपके जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर क्या होता है कि खंबे को तार से पृथक रखता है। खंबे को तार से पृथक रखने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इंसुलेटर। तो आप जब हल्के तार प्रयोग में ले रहे हो तो आप इंसुलेटर भी हल्के प्रयोग में ले सकते हैं, और जब इंसुलेटर और तार हल्के हैं तो क्रॉस आर्म भी हल्के ले सकते हैं। क्रॉस आर्म क्या होता है कि इंसुलेटर को खंबे पे सहारा देने वाली जो युक्ति होती है वो क्रॉस आर्म होती है, इसको वी आर्म भी बोलते हैं। ये लोहे की बनाई जाती है, खंबे पे लगाई जाती है और इसी के ऊपर इंसुलेटर स्थापित करते हैं और इंसुलेटर के ऊपर तार स्थापित करते हैं। तो क्रॉस आर्म भी आप हल्के लगा सकते हैं, जिससे लोहे की के अंदर बचत होती है, और उस क्रॉस आर्म पे जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं वो भी बिल्कुल हल्के लगाए जाते हैं, और उसके ऊपर जो खंबे होते हैं वो हल्के तार प्रयोग लेने की वजह से खंभों को अपन दूर दूर स्थापित कर सकते हैं, जिससे तारों के अंदर खिंचाव होता है। तो ये था लाइन की स्थापना लागत में बचत। इस प्रकार से लाइन की स्थापना लागत में अपन बचत कर सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक थे वो आपका टॉपिक था, आज का टॉपिक था कि एसी व डीसी की तुलना तथा उच्च पारेषण वोल्टता के लाभ। तो आज आपके ये दो टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक आपके कल लेके आएंगे, इसके जस्ट आगे का। तो आपके ये दो टॉपिक अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में आप सफल हो सकें।